बेटा मैं तुम्हें शादी करना दे रहा हूँ, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम अब बहुत ही व्यस्त हो जाओगे। दयाशंकर जी, गुरुदेव अब तो सुबह से दोपहर हो गई है, चलते चलते थक गया हूँ, सोच रहा हूँ कि कहीं जाकर आराम कर लिया जाए। ठीक है गुरुदेव, लेकिन इस जंगल में आराम करना सुरक्षित नहीं है। तुम ठीक हो कर रहे हो, सुरक्षित तो नहीं है, चलो किसी के घर चलते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं। इतना कहकर दोनों गुरु और शिष्य आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, अब हम लोग जंगलों से बाहर दूर निकल आए हैं, वो देखिए एक घर दिखाई दे रहा है, वहीं चलते हैं। हाँ पुत्र, यही ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। गुरुदेव, यह तो बहुत बड़ा खेत है और इस खेत के बीच में यह टूटा फूटा घर जरूर है, किसी गरीब का घर। शिष्य की ऐसी बातों को सुनकर गुरु और मुस्कुराते देखते हुए कहते हैं, पुत्र अब तो प्यास भी बहुत तेज लगी है, चलो उसी घर में चलते हैं और पानी पीने के लिए पानी मांगते हैं। उस घर के पास जाकर गुरु ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में उस घर से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का भी था। वह तीनों बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? जी जरूर साधु बाबा, अभी पानी लेकर आता हूँ। आपका खेत तो बहुत बड़ा लेकिन इसमें कोई भी फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे हो पाता है? साधु बाबा, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है, वही दूध बेचकर कुछ रुपए मिल जाते हैं जिससे हमारा गुजर बसर हो जाता है। इस तरह बातें करते हुए कई गई मानवर, अब तो रात भी हो चुकी है, बातों में समय का पता नहीं चल रहा। अगर कोई परेशान ना हो तो आज रात को हम आपके यहाँ रुक जाते हैं और सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो हम दोनों लोग रात को यहाँ पर रुक जाएं। साधु, अब आप जैसी ज्ञानी विद्वान पुरुष अगर मेरे यहाँ समय व्यतीत करेंगे तो इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। इस प्रकार गुरु और शिष्य रात को उस व्यक्ति के यहाँ रुक जाते हैं और एक कमरे में उनके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है। कुछ समय बाद जब आधी रात हुई तो सभी सोए हुए थे, लेकिन साधु बाबा लेटे हुए थे, उनकी नींद नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को गुरु ने शिष्य से कहा, पुत्र उठो, अब दोनों लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और यस व्यक्ति की भैंस को भी साथ लेकर कहीं दूर छोड़ देते हैं। और आखिर गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं गुरु जी पागल तो नहीं हो गए हो? शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि अगर गुरु जी ऐसा उस गरीब व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वह भैंस ही थी जो उस गरीब व्यक्ति के गुजर बसर का एक जरिया था, जिसका दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी माफ़ करिए, लेकिन यह तो बेचारा गरीब के साथ अन्याय होगा। ना पुत्र, तुम मेरे साथ हो और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए, जवाब करने का यही समय नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। जो वह गुरु और शिष्य घर से बाहर निकलते हैं और उस गरीब व्यक्ति की भैंस को अपने साथ लेकर चल देते हैं। गुरु जी, अब हम लोग तो उस घर से बहुत दूर निकल आए हैं, इस भैंस का क्या करें? पुत्र, इस भैंस को आप यहीं पर छोड़ देते हैं और फिर अपने निज निवास की ओर चलते हैं। वह लोग उसको ऐसी जगह लेकर छोड़ देते हैं
जहाँ से वह भैंस द्वारा उस घर में ना जा सके और उस गरीब व्यक्ति को वह मिल भी ना सके। लेकिन शिष्य की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि गुरुदेव ने उस बेचारे गरीब के साथ ऐसा क्यों किया। उधर उस गरीब व्यक्ति को सुपन में हुआ, तुम्हें जादुई वरदान दे रहा हूँ, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी कि तुम अब अमीर व्यक्ति हो जाओगे। अरे भगवान, उठो, हमारे घर साधु बाबा के रूप में भगवान आए हुए हैं। मुझे सुपन हुआ है कि साधु बाबा मुझे जादुई वरदान दिए हैं, आज से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। उठो चलो, साधु बाबा के पैर पकड़ लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहकर वह पत पत्नी उस कमरे से आते हैं जहां गुरु और शिष्य ठहरे हुए थे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। सुनिए जी, लगता है कि हम दोनों सुबह उठने पर ही देर कर दी। साधु संत सुबह के 4 बजे ही उठ जाते हैं, अब तो 6 बज चुके हैं। साधु बाबा स्नान ध्यान करने गए होंगे, चलो घर के बाहर चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों बाहर आते हैं तो दोनों देखते हैं, अरे भगवान, ना साधु बाबा और ना ही उनके शिष्य और ना ही मेरी भैंस, आखिर मेरी भैंस कहाँ चली गई। फिर 10 साल बाद, 10 साल बीत चुके थे, लेकिन शिष्य के मन में आज भी वह सवाल था कि आखिर गुरुदेव ने 10 साल पैसे उस गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा न्याय क्यों किया था। शिष्य ने सोचा, 10 वर्ष बीत चुके हैं, क्यों ना उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए। 10 वर्ष गुरुदेव उसकी भैंस को बहुत दूर छोड़ दिया था, बेचारा किस हाल में होगा। कुछ रुपए पैसे की मदद भी कर देंगे ताकि उसका जीवन हद तक सुख हो जाए। यह सोचते हुए शिष्य उस व्यक्ति से मिलने चल देता है। जब शिष्य उस स्थान पर पहुंचता है तो वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सालों में इतना सब कुछ बदल गया, इन खेतों में तो बहुत सारे वृक्ष और इनमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, टूटे फूटे घर की जगह यह तो आलीशान घर बन चुका है। हो सकता है कि भैंस के चले जाने के बाद यह गरीब व्यक्ति सब कुछ बेच कर यहाँ से चला गया हो। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। राम राम राम, कितना गलत किया था उस बेचारे को, गरीब के साथ गुरु ने सिर्फ कहाँ से जाने वाला था कि उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। तब शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, शायद आप मुझे ना पहचाने, लेकिन 10 साल पहले मैं आपसे मिला था, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो उस दिन बिना बताए घर से चले गए थे और उसी दिन मेरी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक वापस नहीं आई। कुछ महीनों तक तो मैं बहुत परेशान हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे घर का खर्च चलाऊं। लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। उससे जो भी मुझे रुपए मिले उन्हें बेचता गया और उन रुपए से मैंने अपने खेतों में फसल उगाया। फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे अनाज बेचकर बहुत ज़्यादा रुपए मिले। फिर उन रुपए से मैंने खेतों में बगीचा लगवाया, बगीचों में बहुत सारे फल हुए। आज मैं इस नगर को बहुत बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। आज मेरे पास धन दौलत एवं भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस मेरे यहाँ से ना गई होती, क्योंकि भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। भैंस के जाने के बाद मैंने कार का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैंने बहुत सारा धन कमाया और कमा रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और बहुत ही सुखी हूँ, मेरा परिवार भी बहुत सुखी है। लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना। हाँ, का सकता था, लेकिन उस समय मेरा जीवन बिना मेहनत के ही चल रहा था। इसी कारण मुझे कभी भी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा कार्य कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने
कभी कोई कोशिश ही नहीं किया। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद परेशानियां तो बहुत आईं। दुखों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया, क्योंकि उस समय मेरे घर का गुजर बसर मात भैंस का दूध था, जिससे मैं बेचकर थोड़ा बहुत रुपए कमा लेता था, और उस समय वह भी रास्ता बंद हो गया। लेकिन एक रास्ता बंद हो जाने पर ईश्वर दूसरा रास्ता तुरंत खोल देता है। बस व्यक्ति को उस नए रास्ते पर चलना आना चाहिए। अपन ठीक कहा, कभी भी अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो यह परेशानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जी हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि लोग उस परेशानी से कुछ सीख करना करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग परेशानियों से हार कर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मानवर बर्बाद वही होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो परेशानियों में ही अटके रहते हैं और अपने भाग को और भगवान को कोसते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उन दिनों यह भी जाना, जब उस समय भैंस को मेरे घर से चली गई तो मेरा परिवार एकाएक अनाज के दाने के लिए तरसने लगा। भूखे प्यासे रहकर एक दिन हमने बिताया। लेकिन कहते हैं कि जब जीवन ही गांव पर लग जाए तो कितना भी कमज़ोर कोई ना हो, उसकी गति पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, तो किसी की भी सहायता मिल सके यह भी कभी कभार संभव है नहीं हो पाता है। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार को इस दशा में नहीं देख सकता, और मैंने फिर अपनी बुद्धि को जगाया और बुद्धि और शक्ति के बल से खूब मेहनत किया। उसका परिणाम आज आपके सामने है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हर व्यक्ति में बुद्ध और शक्ति आज जो अपने आप को सफल बता सकता है, बस यही लगन, धैर्य और सफलता पाने की जीत होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं। कभी कभी जब हारने लगता है, एहसास पड़ जाता है, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है, हारना नहीं, सिर्फ जीतना है। यह काम कैसे नहीं होगा, यह बहुत जरूरी होगा। पीछे मत हटना, बहुत बढ़िया मेहनत करके कोई भी नहीं मरता। मरते तो वह जो आलस की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं और सोते हुए सपनों को देखते रहते हैं, और जागते हुए सपने टूट कर बिखर जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, इसलिए दुख से कभी भी नहीं भागना चाहिए। कर्म जीवन का आधार है, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी अच्छा ही हो। शिष्य अब सब कुछ समझ चुके तथा 10 वर्षों के सवालों का जवाब उसे अब मिल चुका था। वह समझ चुका था कि गुरुदेव ने उस दिन ऐसा क्यों किया था, और वह यह भी जान चुका था कि इंसान के लिए जादुई वरदान धैर्य, लगन और उसकी मेहनत है।